मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल द परफेक्ट पैलेट बाय गरिमा में। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी दो प्याजा। इसके लिए मैंने करीब 300 ग्राम भिंडी ली है और उसको धो के सुखा लिया है और उसको करीब एक एक इंच के टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। और मैंने एक टमाटर लिया है, दो बारीक कटी हुई प्याज ली है और एक इस तरीके से बड़ी बड़ी कटी हुई प्याज ली है। और 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1 इंच करीब मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। और मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है और मैंने नमक स्वादानुसार लिया है, लाल मिर्च स्वादानुसार ली हुई है, 1/2 चम्मच के करीब मैंने हल्दी ली हुई है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है और 1/4 टीस्पून मैंने करीब गरम मसाला लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी भिंडियों को ऑयल में फ्राई करेंगे। या तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं या थोड़े से तेल में नॉर्मल फ्राई कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले तो टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब हम गैस ऑन करके इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें भिंडी डाल के फ्राई करेंगे। आँच हम स्लो रखेंगे। अगर आप चाहें तो भिंडी को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसको कलर चेंज होने तक पकाएंगे। 5 से 6 मिनट में लगभग हमारी भिंडी पक गई है। अब इसे हम दूसरी प्लेट में निकालते हैं। और मैंने भिंडी को खोल के पकाया है और आप भी इसको खोल के ही पकाइए ताकि भिंडी लेस ना छोड़े। अब हम इसे दूसरी प्लेट में निकालते हैं गैस बंद करके। हमारा तेल बच गया है, इसी तेल में हम अपना तड़का डालेंगे। तड़के के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून मैंने ली है हींग और मैंने 1 चम्मच अजवाइन भी ली है। अजवाइन भिंडी के साथ बहुत अच्छी जाती है। फ्लेम लो कर लीजिए। हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे, उसका कच्चापन पूरी तरीके से निकलने तक। देखिए कैसे ट्रांसपेरेंट हो गई है अच्छे से। हमारी प्याज हो गई है, अब इस स्टेज में हम टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और अच्छे से भुनाएंगे। हमने टमाटर डाल दिया है, अब इस स्टेज में हम अपने बाकी के जो मसाले हैं पाउडर वाले उनको भी थोड़ा सा हमने पानी डाल के पेस्ट बना लिया है और इनको भी हम डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम पकाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम ढक के पकाएंगे। अभी स्लो आंच पे हम इसको थोड़ी देर अच्छे से मसाला को भुनने देंगे। तेल पे भिंडी और प्याज को फ्राई कर लिया है, अब हम अपना मसाला तैयार करेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, देखिए कैसे तेल छोड़ रहा है। इस स्टेज तक आने के लिए कम से कम मुझे 6 से 8 मिनट लगे हैं, मतलब मसाला भूनने में मुझे कम से कम 6 से 8 मिनट लगे हैं।
अब इसमें हम अपनी जो फ्राइड भिंडी और अनियन रखे हुए हैं वो डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लीजिए, हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याजा एकदम रेडी है। इसको अब हम सर्व करते हैं। ये लीजिए, हमारी भिंडी दो प्याजा एकदम बन के रेडी है। आप इसे किसी भी रोटी, पराठा, किसी के साथ भी सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसी बनी, और मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।